अब हम पढ़ रहे हैं सेट इंटरफेस, ठीक है। तो लिस्ट लिस्ट इंटरफेस हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने चार क्लासेस देखी लिस्ट इंटरफेस की। तो चार इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस थी, उनमें एरे लिस्ट थी, लिंक लिस्ट थी, वेक्टर थी और कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेट इंटरफेस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या क्या है और वो काम कैसे करता है सेट, ठीक है। देखो अब ध्यान देना, कलेक्शन में तीन ही चीज़ें हैं जो हमको अच्छे से पढ़नी है, लिस्ट इंटरफेस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, सेट इंटरफेस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास और मैप और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ठीक है। तो सेट इज एन इंटरफेस, अच्छा, सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। लिस्ट इंटरफेस जो था वो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ करता था, इसका मतलब था कि उसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास थी उसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट को ऐड कर सकते थे। डुप्लीकेट एलिमेंट से क्या मतलब होता है दीक्षा? सर एक ही एलिमेंट को दो बार मतलब ठीक, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हम एरे लिस्ट बनाते हैं या लिंक लिस्ट बनाएं या वेक्टर बनाएं या कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट बनाएं और उसमें हमने सेम ऑब्जेक्ट जैसे 10 और 10 दो बार ऐड किया तो दो बार स्टोर होगा, ठीक है। बट अगर हमने सेट का ऑब्जेक्ट बनाया या उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास जैसे हैश सेट होती है उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें 10 स्टोर किया तो वो एक ही बार होगा, मतलब क्या वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है सेट, मतलब हम उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। इट मीन्स वी कैन नॉट ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट इन सेट, ठीक है। सेट का मतलब वही हुआ कि सेट की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेज हैं उनमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, इफ वी ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट इन सेट इट विल ओवरराइड द फर्स्ट एलिमेंट। ओवरराइड का मतलब होता है कि जैसे 10 है यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर हमने फिर से इसमें 10 डाला तो वो इसको इसी के ऊपर 10 स्टोर कर देगा, ठीक है। अगर 20 डालेंगे तो आगे स्टोर कर देगा, 30 डालेंगे तो आगे स्टोर कर देगा, बट फिर से 30 डालेंगे तो आगे स्टोर नहीं करेगा, वो इसी के ऊपर स्टोर कर देगा। क्यों? क्योंकि सेट जो होता है वो डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर नहीं करता है। सेट के बारे में बात आई समझ में? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं देगा वो? अरे दादा क्यों एक्सेप्शन देगा, डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर रहा है फिर भी मतलब एक ऊपर एक लिख रहा है। तो मैंने क्या बोला है, वही तो बोला है, ये उसकी खासियत है कि अगर ऐड करते हैं, अगर एक्सेप्शन देता तो बनाते ही को उसको बनाया ही ऐसा गया है कि अगर डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो उसको ओवरराइड कर दो, एक्सेप्शन नहीं देगा। जो आपने अगर जो पहले से है उसको अगर फिर से वही डाला तो उसको ओवरराइड कर देगा, ओवरराइड का मतलब उसको हटा के खुद बैठ जाएगा। एक्सेप्शन की ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं आता क्योंकि उसका रूल ही है, उसका उसका नेचर ही ऐसा है, उसको बनाया इस तरीके से गया है। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी होती है? हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, ठीक है। हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, और ये इसके कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। तो मेथड हमको धीरे धीरे जब हम करेंगे तो समझ में आएगा। वैसे सिंपली जब आप देखोगे तो सिंपल दिखा रहा है, ऐड मेथड का काम एलिमेंट को ऐड करना, क्लियर का काम जैसे आपका हैश सेट है, ये हैश सेट है, क्लियर का मतलब होता है क्लियर करना, साफ करना। जैसे आप क्लियर कॉल करोगे, जैसे हैश सेट के ऑब्जेक्ट पे क्लियर कॉल कर दोगे तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, क्लियर का काम क्या होता है, ये सारे ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा, इसमें साफ क्लीन करना। हैश सेट का जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें जो एलिमेंट ऐड होंगे उनको रिमूव कर देगा। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, कंटेंट्स का मतलब रखना। अगर हमको ये चेक करना है कि इसमें ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है तो हम कंटेंट्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट्स में सर्च करना, जैसे ये हैश सेट है इसमें हम एस कंटेंट करें, कंटेंट्स 10, मतलब क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि इस सेट में 10 है या नहीं है, तो अगर होगा तो हमको ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ऐसे ही इज इम्पटी मेथड होता है, इज इम्पटी, इम्पटी का मतलब होता है खाली। तो अगर हमको चेक करना है कि जो हैश सेट है वो खाली है या भरा है, उसमें एलिमेंट है, जैसे जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हैश सेट का, हैश सेट एच एस इक्वल टू न्यू हैश सेट, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ये खाली ही बनेगा ना, जब हमने इसमें एलिमेंट नहीं किया है तो खाली बनेगा। तो हमको चेक करना है कि ये खाली है या इसमें कोई एलिमेंट है, तो हम इज एम्पटी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
इटरेटर का पता है, इटरेट करने के लिए सिंपल आपको पता है कि एक एक करके एलिमेंट निकालने के लिए। रिमूव मेथड का काम उसमें से कोई एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, और साइज मेथड का काम उसको उसका हैश सेट का या लिंक्ड हैश सेट का या ट्री सेट का साइज गेट करने के लिए। साइज का मतलब होता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इन मेथड में कोई कन्फ्यूजन, ये सेट के बेसिक मेथड है, ठीक है। आया ना? ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेट का, सेट सेट का स्ट्रक्चर, सेट का बेसिकली ये स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन हमारा फोकस क्या है, सबसे सुपर इंटरफेस कलेक्शन, ठीक है। सेट जो इंटरफेस है वो कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, ठीक है। और ये जो सेट इंटरफेस है इसका, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है, देखो एक हैश सेट है, एक लिंक्ड हैश सेट है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो ट्री सेट है, ट्री सेट और कॉन्करेंट स्किप लिस्ट सेट, ये क्या है, ये भी सेट के, सेट को इम्प्लीमेंट करते हैं, बट डायरेक्ट नहीं करते। कैसे करते हैं, सेट को एक दूसरा सॉर्टेड सेट करता है, सॉर्टेड सेट को नेविगेबल सेट करता है, और ये दोनों क्या करती हैं, इस नेविगेबल सेट को इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये डायरेक्ट ना करके, ये डायरेक्ट ना करके इसको जो कर रही हैं उसको कर लेता है। तो भले डायरेक्ट इसकी मेथड ना आए, बट इनडायरेक्टली ट्री सेट, सेट के जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो ट्री सेट में आ जाती हैं, ठीक है, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो इसमें से जो मेन फोकस रहेगा हमारा वो हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट के बारे में रहेगा। कॉपी ऑन राइट एरे सेट आपको पता है, और जो कंकरेंट स्किप लिस्ट सेट, ये दोनों क्लासे हैं, ये दोनों क्लासे हैं। इनका काम क्या है, पहली चीज तो ये फेल सेफ है, और दूसरी चीज ये थ्रेड सेफ है, थ्रेड सेफ, ठीक है। इस थ्रेड सेफ्टी क्यों है, इनके बारे में मल्टी थ्रेडिंग में बात करेंगे इन दोनों के बारे में थोड़ी, बट यहाँ पे इतना है कि ये फेल सेफ है, ठीक है। तो अब हम जो भी आगे पढ़ेंगे सेट के बारे में, हम इन तीन क्लासों के बारे में पढ़ेंगे कि इनका कैसे काम करती है, क्या क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है। आगे बढ़े, ओके सर। तो सिंपल सा हम एक सेट का एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेट, जैसे लिंक, जैसे लिस्ट का बनाते सेट, हमने सेट ऑफ, चलो ओबीजे बना दो, ओबीजे इक्वल टू न्यू। अब सेट इंटरफेस है तो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, दीक्षा इंप्लीमेंटेशन क्लास का, इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है इसकी, सेट हैश बताई थी ना आपने, हैश सेट, ठीक है। तो या तो हैश सेट का बना ले, या लिंक्ड हैश सेट का बना ले, या ट्री सेट का बना ले। तो अब अभी हम हैश सेट का बनाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो इंप्लीमेंट करने का दो तरीका, या तो माउस लेके जाओ ये खुद बताएगा इंपोर्ट करने का, या दूसरा तरीका कंट्रोल शिफ्ट ओ, तीनों साथ एक साथ दबा दो तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो गए, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया, सेव हो गई फाइल। अब इसमें हम एलिमेंट ऐड करते हैं, ओ बी जे डॉट एड 10, ठीक है, एड 20, तो एड 40, ओके, ठीक है, इतना ही रखते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ हम नोटिस करेंगे, ठीक है, ध्यान देना, अगर ध्यान इधर उधर हो तो ध्यान देना। अच्छा दीक्षा, इसका आउटपुट क्या आएगा, मेरे को आउटपुट बताओ आप, क्या आउटपुट आएगा इसका, सर
सब ये 10, 20, टेन 40, 10 ट्वेंटी बहुत है। फोर्टी और 10 टेन, इसका नाप बताओ क्या आउटपुट आएगा। सर, जो इन्होंने नहीं बताया था आएगा इसमें डुप्लीकेट नहीं हो ऐड कर सकते। हाँ तो डुप्लीकेट नहीं आएगा इसमें ऐसा। हाँ जी, जिसमें 2 10 है ना वो नहीं आएंगे, एक ठीक है तो 10, 20, 40 ये बार आएगा। आएगा। ठीक है ओके। कोई और बताना चाहेगा, कोई और गैस करेगा या सबका कहना यही है। ठीक सर सही है वो। है इतना ही आएगा। अच्छा तो ये क्या इसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे 10, 20, 40, या इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मतलब ये एरे लिस्ट में क्या होता है, एरे लिस्ट इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है, ये हमने कई बार वर्ड सुना। क्या सेट इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है? ठीक है तो सेट जो जो पुराने हैं उनको तो पता है, क्या सेट इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है या नहीं करता? क्या हमको नहीं करता। नहीं करता? देखो जो नए लोग हैं वो हम आगे ही पढ़ेंगे, जब डिफरेंस पढ़ेंगे लिस्ट और सेट में, तो आप हमेशा क्या रखना, सेट जो है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट में जो हम एलिमेंट डालेंगे तो पहली चीज़ तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट होगा वो हटा देगा, डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड नहीं करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में मिले एक इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमने 10, 20, 40 डाला तो हो सकता है हमको 10, 20, 40 ही मिले, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं, इनका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जो सेट होता है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। ठीक है इसको रन करके देखो, देखो 20, 40, 10, जो 10 पहले ऐड किया था हमने वो आखिरी में आ गया। ठीक है तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ। ठीक है इसके एक की इसको 10 की जगह हम 50 कर देते हैं तो और भी साफ दिखेगा हमको। ठीक है 50 हमने लास्ट में जोड़ा था बट वो पहले आ गया, 20 हमने बाद में जोड़ा फिर। ठीक है तो जो सेट होता है दो चीज हमने सीख ली, एक तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता और दूसरा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। आई बात समझ में? यस सर। मतलब yes, किसी को कोई कंफ्यूजन इन चीजों में? ओके नो सर। ओके ठीक। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ते हैं, लिस्ट और सेट में डिफरेंस, फिर क्लास खत्म करते हैं। ठीक है तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट, जैसे एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में पूछा जाएगा ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा लिस्ट और सेट में डिफरेंस क्या है। अच्छा तो पहला डिफरेंस देखो, ऑल इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है लिस्ट इंटरफेस की जितनी भी क्लासे हैं वो क्या करती है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती हैं। इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे ध्यान देना, ऑल इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ सेट इंटरफेस डज नॉट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर इन जावा। सेट जो इंटरफेस है उसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करती है, बट ओनली लिंक्ड हैज सेट क्लास मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर। सेट जो है, सेट की चार पांच जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करती, बट उनमें से एक क्लास इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है। कौन सी करती है बताओ, कौन सी मेंटेन करती है? लिंक्ड हैज सेट। ठीक है तो लिंक्ड हैज सेट जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लिंक्ड हैज सेट जो क्लास है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर रही है, बाकी हैज सेट, ट्री सेट, इनम सेट या जितनी भी क्लासे होती हैं वो इसके इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करती। तो आपको याद रखना है कि सेट जो है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, बट इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है लिंक्ड हैज सेट जो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है। ठीक है ओके। दूसरी चीज, लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ करती है, लिस्ट अलाउज टू स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट, सेट जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता। दूसरे पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिस्ट डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ करता है सेट नहीं करता। ठीक है तीसरी चीज, लिस्ट अलाउज टू स्टोर मैनी नल वैल्यू, मतलब हम कई सारी नल वैल्यू को स्टोर
कर सकते हैं, किसमें, लिस्ट में या उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। लेकिन यहाँ पे ऑल द सेट इम्प्लीमेंटेशन अलाउ टू ऐड ओनली वन नल की, ठीक है। सेट की जितनी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसमें हम कितने नल ऐड कर सकते हैं, ओनली वन, ठीक है। अब इसमें भी एक पॉइंट याद रखने वाला है, बट ट्री सेट डज नॉट अलाउ टू ऐड नल इन जावा। सारी क्लासों में एक नल ऐड कर सकते हैं, बट ट्री सेट में एक भी नहीं कर सकते, ठीक है। याद रहेगा तीन तीन इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती हैं, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, जिसमें से ट्री सेट में एक भी नल ऐड नहीं कर सकते। हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में एक एक नल ऐड कर सकते हैं, बट ट्री सेट में एक भी नल ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। याद रहेगा जी सर, ठीक है सर, ठीक है। क्यों क्यों नहीं रहेगा, अब देखो इसमें भी एक ट्विस्ट है क्या, इफ वी एड नल इन टू ट्री सेट एट कंपाइल टाइम इट विल नॉट गिव एनी एक्सेप्शन। मतलब जब हम कोड लिखेंगे ना तब एक्सेप्शन नहीं देगा वो, जब हम इसको रन करेंगे, बट वेन वी रन द प्रोग्राम वी विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना तब एक्सेप्शन देगा, ठीक है। तो ट्री सेट में हम एक भी नल ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, पहली बात। और ऐड करेंगे ना तो कंपाइलर एरर नहीं देगा, कंपाइलर वहाँ पर नहीं दिखाएगा ऐड, लेकिन जब प्रोग्राम को रन करोगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी, कौन सी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. मतलब सिंपल सा मतलब है कि ट्री सेट में पहले तो नल ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और जब हम कोड लिखेंगे तो कोड तो लिख लेने देगा, वहाँ पर एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है, लेकिन जब हम उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास प्रोवाइड गेट मेथड टू गेट द एलिमेंट। मतलब लिस्ट की जितनी भी क्लास होती हैं उनके अंदर गेट मेथड होता है, ठीक है। अगर हमको लिस्ट में से कोई एलिमेंट निकालना होता था, एक एलिमेंट, तो कैसे निकालते थे हम, याद है, गेट मेथड पढ़ाया था मैंने, ठीक है। बट इसमें जो सेट होता है उसमें गेट मेथड नहीं होता, ठीक है। यहाँ देखो आप, कोई गेट मेथड नहीं है एलिमेंट को निकालने के लिए, ठीक है। हमें अगर सेट में से एलिमेंट निकालना है तो इटरेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक एलिमेंट नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें गेट मेथड नहीं होता। वहीं अगर हम देखें, अगर इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, लिस्ट और यहाँ पे एरे लिस्ट दे दें, ठीक है। तो अभी लिस्ट बन गई, और लिस्ट में अगर आप चेक करोगे तो ओबीजे डॉट गेट, इसमें गेट मेथड होता है, ठीक है। तो लिस्ट और लिस्ट इंटरफेस कहें या उसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है उनमें गेट मेथड होता है, ताकि हम एक एलिमेंट को निकाल सकें, और सेट में गेट मेथड नहीं होता है, ठीक है। क्लियर पॉइंट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिस्ट इटरेटर, लिस्ट इटरेटर मेथड ऑफ लिस्ट इंटरफेस रिटर्न लिस्ट इटरेटर टू इटरेट एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन जावा, ठीक है। तो लिस्ट जो इंटरफेस होता है उसमें लिस्ट इटरेटर भी होता है और इटरेटर भी होता है, दोनों चीज़ होती हैं। अगर हमको लिस्ट की लिस्ट को इटरेट करना है तो या तो हम इटरेटर का यूज़ करके कर सकते हैं या लिस्ट इटरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट सेट में हमें सेट में लिस्ट इटरेटर नहीं होता है, ठीक है। सेट में अकेला कौन सा होता है, इटरेटर। आ रही बात समझ में, सेट में सिर्फ इटरेटर मेथड होता है और जो लिस्ट होता है उसमें इटरेटर और लिस्ट इटरेटर दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट क्या है, एरे लिस्ट इज इंडेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर। एरे लिस्ट कैसा होता है, इंडेक्स बेस्ड, मतलब इंडेक्स इससे बनता है, इसमें इंडेक्स बनता है, ठीक है। सेट इज नॉट इंडेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर, सेट में इंडेक्स नहीं बनता, ठीक है। सेट में क्या बनती है वो हम आगे पढ़ेंगे, सेट जो, अच्छा, सेट में इंडेक्स नहीं बनता है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि सेट में इंडेक्स नहीं बनता है तो क्या बनता है, तो सेट जो बनता है, सेट में बनती है बकेट, ठीक है। ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, म्यूट करो, ठीक है। सेट जो होता है, सेट इंटरफेस इंटरनली
मैप इंटरफेस का यूज करता है, सेट इंटरनली मैप का यूज करता है, और मैप में जो बनता है वो बनता है बकेट। ठीक है, तो जब मैप पढ़ेंगे तो हमको बकेट समझ में आएगी, जब बकेट समझ में आ जाएगी तो हमको समझ में आ जाएगा कि सेट कैसे स्टोर करता है। ठीक है, तो डिफरेंस में सिर्फ हम इतना समझेंगे कि ये इंडेक्स बेस है और ये इंडेक्स बेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनली एरे लिस्ट किसका यूज करती है, डायनेमिक एरे का। डायनेमिक एरे क्या होता है दीक्षा? डायनेमिक एरे किसको बोलेंगे हम? मुस्कान, किसको बोलेंगे डायनेमिक एरे हम? नहीं पता, जरूरत के हिसाब से जो अपने आप को चेंज कर ले। जरूरत के हिसाब से जो अपने आप को चेंज कर ले, मतलब जो एरे है हमारी उसका साइज एक फिक्स है, लेकिन जैसे ही उसमें और एलिमेंट हमको ऐड करने की जरूरत पड़े तो ऑटोमेटिकली अपना साइज बढ़ा ले। जैसे हनुमान जी होते थे ना, जब उनको लगता था साइज बढ़ाना है वो बड़े कर बड़ा हो जाते थे, छोटा करना है छोटे हो जाते थे। ऐसे ही डायनेमिक एरे, डायनेमिक एरे का मतलब जब जरूरत हो तो एरे का साइज अपने आप बढ़ जाए, जब जरूरत नहीं है तो ऑटोमेटिक कम हो जाए। ठीक है, तो जो एरे लिस्ट है वो इंटरनली डायनेमिक एरे का यूज करती है, और जो सेट इंटरफेस है वो इंटरनली किसका यूज करता है? मैप इंटरफेस का। कैसे करता है ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास। इसकी कौन कौन सी होती है लिस्ट की? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट क्लास आर द इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट्स लिस्ट इंटरफेस। ठीक है, हैश सेट, कॉपी ऑन राइट एरे सेट, लिंक डैश सेट, ट्री सेट, कॉन्करेंट स्किप लिस्ट सेट, इनम सेट, क्लासेस इम्प्लीमेंट्स सेट इंटरफेस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, आपको मैं टाइम देता हूँ, आप पढ़ लो।